आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख आवाज घर घर। जनाब ब्रिगेडियर आशीष गंभीर साहब, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट विजय खम, उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं सर। गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे हमारे ब्रांच मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक करगिल, जनाब तनवीर साहब। तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन लद्दाख इन कोलेब्रेशन विद अल इत्तेहाद यूथ फेडरेशन गोमा करगिल। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, हमारे हेरिटेज को, हमारे कल्चर्स को बचाने और उनसे नई नस्ल को रोशनास करने के लिए इस तरह की प्रोग्राम्स की बहुत ज़रूरत है। ब्रिगेडियर साहब ने अपने मसरूफ अवकात में से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए, इनका शुक्रिया अदा करें और इनका फॉर्मली शुक्रिया अदा करने, उन्हें वेलकम करने के लिए और उन्हें हमारे रवायती खताब पेश करने के लिए हमें दावत दूंगा जनाब इनायत अली को, जो इस प्रोग्राम के रूह रवा हैं, जर्नलिस्ट हैं, आए और यहाँ पे वेलकम स्पीच दें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे आए और हमारे खासकर हमारे बच्चों का सर हौसला अफजाई किया, क्योंकि इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल है सर हमारी इस सोसाइटी में, क्योंकि हम बचपन से ही आर्मी के साथ हमारा उठना बैठना रहता है सर। तो आप जैसे ऑफिसर्स यहाँ पे आए तो हमारे बच्चे इनमें से भी कुछ फ्यूचर में क्या पता इंशाल्लाह आर्मी ऑफिसर्स के परस्यू करें, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सईद मेहदी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गंभीर साहब को खताब से वेलकम करें। आपको खताब से वेलकम करें। मैं आपसे वेलकम करें हमारे वार्ड मेंबर सर अली साहब। मैं शबीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इस्माइल सर को खताब से वेलकम करें। शबीर साहब से एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि रजा अमजद बरगामी साहब। मैं शबीर साहब से एक बार फिर रिक्वेस्ट, हमारे पूरे हमारे बीमार से, तो आप गंभीर साहब को पूरे गांव की तरफ से एक खताब पेश करें सर। थैंक यू सर। आज तक करगिल में कभी नहीं मनाया गया, तो ये पहली बार है जो कि हम आज मना रहे हैं और आप लोग इस इम्पोर्टेंट डे का आज पार्ट बने हो, तो मैं आप सबको आज के इस मौके पे वेलकम करता हूं। और इस जगह पे खासकर गोमा करगिल का जो खानका है सर, जो अभी यहाँ पे खानका आप लोग यहाँ इस जगह पे मौजूद है, तो इस खानके का एक रिटन हिस्ट्री तो कहीं नहीं है, बट हमारे पूर्वज जो हमारे ओरल सुनते आ रहे हैं कि इस खानके का हिस्ट्री सर बरू खानके के साथ साथ ये बना है, कहते हैं सर लगभग 16 या 17 सेंचुरी में बना होगा। ये यहाँ का मानना है सर कि कहा जाता है कि इसका जो कबला वाला जो जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं जहाँ की तरफ, उस पोर्शन का जो दीवार है आधा मतलब हमारे जो यहाँ के यहाँ पे कोई मौलवी हुआ करता होगा या कोई सूफी संत हुआ करता होगा, तो उन्होंने इस जगह पे खानका यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, कहते हैं। अब इस खानके का जो हेरिटेज हमारे बच्चों को मैं कहता जाऊँ कि अभी हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ इस तरह बढ़ रहे हैं कि हम अपने हेरिटेज और कल्चर को बिल्कुल भूल गए हैं, हमें पता नहीं है। अभी हम लोग सर यहाँ पे कहीं भी मतलब हिंदुस्तान में कहीं भी वेस्टर्नाइजेशन जो हमारे अपने कल्चर को छोड़ने का जो रिवाज हो चुका है ऊंचा पहने का, तो सब एक अलग तरीके से देखते हैं। और मैं वैसे तो आज के दिन हमें चाहिए था कि हम अपने लोकल जबान में बात करें पुर्गी में, मगर गंभीर साहब यहाँ पे है तो मॉडल हाई स्कूल लंगकोर के नासिर हुसैन यहाँ पे आएंगे और अपना स्पीच देंगे। ठीक है।
ऑनरेबल गेस्ट ब्रिगेडियर आशीष चमदीर चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल लंकोर ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे वुड लाइक टू प्रेजेंट अ स्पीच International Day for Monuments and Sites ICOMOS on 18 April 1982. It was proposed to let the people of the world know and protect their heritage sites, monuments. By doing various activities every year on April 18, today because of the efforts of International Council on Monuments and Sites, there are a total of 1,154 heritage sites which have been given protection all over the world. In India alone, there are more than 16 world heritage sites such as Ajanta, Tiruvannamalai, Arunachal Sabha Temple, Jodhpur Historic Town Center, etc., of which we should be proud as well as grateful, because if we were late to protect these heritage sites, we may have been not able to see them as of today. Our Ladakh also has many heritage sites which has made Ladakh popular for tourism, such as the statue of Buddha of Karsekar. For long years of Kargil history, that our ancestor was first Hindu, then converted to Buddha. 1840 तक सर हमारा इलाका अपने 8th century तक हम तिब्बत के अंदर था. हम तिब्बत के लास्ट किंग ब्रुक सिंगे ने हमारे इस इलाके पर हुकूमत किया. उसके बाद तिब्बत में खाना जंगी छिड़ गया, जिसको कहते तातारी यहाँ पहुंच गया. फिर तिब्बत से हम अलग हो गया तो हमने अपने छोटे छोटे राजवाड़े बनाए. लेह का अपना हुकूमत बना, करगिल का बना, स्कर्दों का अपना बना, स्कर्दों में भी दो चार बना, फिर शिगर का अपना बना, गिलगित का अपना बना, या तिब्बत से अलग हो गया. फिर इसके बाद एक दूसरे पर मुजाहिमत उस जमाने में, क्योंकि जो जीते वही सिकंदर वाली बात होती थी, जो अमीर है जो ताकतवर है वो दूसरे को उछल देता था. तो इतने में नंगकोम गद्दारी भी बहुत बड़ी चीज़, अंदर से गद्दारी भी हुई. अच्छा, थोड़ा सा तख्त पर रसाकशी हुआ इंटरनली हमारे पुरिक में, बल्तिस्तान में, लद्दाख में. उस वजह से डोगरों ने फायदा लिया. 1835 में डोगरों ने पहला हमला किया और डोगरों ने 5 हमले किए इस इलाके पर. कितने हमले? 1833 में जोरावर सिंह ने हमला किया लद्दाख को और तिब्बत को जीतने के लिए. रास्ता क्या था? यही रास्ता था. शुरू से आया लूट मार, कत्लेआम करता हुआ लेह की तरफ निकल गया. फिर दूसरा हमला आ गया, वो जोजिला से वजीर रत्नू और इसके क़यादत में आ गया. यहाँ से गोम करगिल की लड़ाई बहुत मशहूर है. ये सब कुचल के यहाँ से सोत खर को आग लगाया लखपत राय ने. सोत पसरी खर को, आज भी मैं पसरी खर में गया, आप कभी साइड विजिट करेंगे तो पसर खर थोड़ा चढ़ने में आप तो रोड जा रहा है ज़रूर देखना. पसर खर को आग लगाया, पश्चिम के चुरी खर को आग लगाया, उयन पुल एक वाहिद स्किंचा था उसको आग लगाया. आप यकीन करें करसेखर का जो मस्जिद है, जामे मस्जिद करसेखर, रानी ठीला खातून ने अपने जेवरात से उस मस्जिद को बनाया था. उसके 22 सुतून थे और पुरी की तारीख का पहला जामे मस्जिद था जो 1010 हिजरी में बनाया था. उसके सोने चांदी को लूट के उसको आग लगाया. आज भी खोदेगा ना उसके अंदर से मिलेगा, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत काम किया करसेखर में. तो वहाँ पर लोग कहते हैं कि इसके अंदर हमने वो जितने भी जले हुए चीज़ें हैं, मुतबर्रिक कुछ चीज़ें हैं, ईगे में भी लिखा है, अरबिक में भी लिखा है, वो हमने अंदर दफन किया है, कहीं किसी ज़माने में ये काम आए. तो इस तरह से हमारे यहाँ के हेरिटेज को बहुत नुकसान पहुँचा है. तो उसके बाद हमारी अपनी भी ना जनाब रजा अमजद साहब जो कुछ हिस्टोरियन राइटर और पोइट हैं, उनको दावत दे दूंगा कि वो यहाँ आकर चंद अल्फाज कहें. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. आज के इस वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 के मौके पर जो हमारे मेहमान खुशी हैं, ब्रिगेडियर आशीष गंभीर साहब, दीगर मौजूदगी और प्यारे बच्चों, एक बार फिर सलाम अर्ज करता हूँ.
तो जहाँ तक ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे का सवाल है, इस दिन को पूरी दुनिया में बड़े संकमत से हर साल मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हेरिटेज है क्या है। हर मुआशरा अपना एक जुदागाना तहजीब व तमद्दुन रिवायात और सकाफत रखता है। हर मुआशरे में इसकी अहमियत होती है और किसी भी मुलुक खत्ते या कौम की तहजीब व सकाफत से न सिर्फ इस कौम की इस मुल्क की तारीखी या हिस्टोरिकल तर्जुमानी होती है, बल्कि यूँ कहे तो भेजा न होगा कि कोई मुआशरा अपनी तहजीब व सकाफत के बगैर अपनी गुजरी तारीख से मुंसलिक नहीं रह सकता। हम सभी जानते हैं कि हर साल अप्रैल 18 को आलमी सतह पर आलमी योम वर्षा मनाया जाता है। इस अहम तरीन दिन को मनाने का मकसद खासकर बच्चों के लिए, आप बच्चे ध्यान दें क्योंकि आप हमारे मुस्तकबिल हैं, क्योंकि हम ही ने नेशनल लेवल पे अगर मुल्क की बात आती है तो उसको भी हमें अपने जहन में रखना है, और फिर इलाकाई सतह पर जब बात आती है हमें इस चीज़ को भी याद रखना है कि हमारा जो वर्षा है वो क्या है। 18 तारीख को आलमी सतह पर आलमी योम वर्षा मनाया जाता है। इस अहम तरीन दिन को मनाने का मकसद अक्वाम आलम की मुख्तलिफ तहजीबों और आसार कदरा को कदीमा को महफूज बनाना है, यानी जो मोनूमेंट्स हैं उनको महफूज बनाना है, इनको प्रिजर्व करना है। साथ ही इन कदीम आसार के बारे में आने वाली नस्लों को आगाही फराहम करना है। और आगरा फोर्ट जिसके बारे में आपने सुना होगा, एक मशहूर खाने तामीर है मुगलों के दौर का, और ताजमहल जो शहजादा खुर्रम और मुमताज महल की मोहब्बत की निशानी भी इसको आप कह सकते हैं, और पूरी दुनिया में एक अजूबा है। और ये हमारे मुल्क की शान है, जो भी हेरिटेज हमारा हमारे हिंदुस्तान के अंदर है वो हमारे मुल्क की इज्जत को, हमारे मुल्क की जला को जो है वो और भी ऊंचा कर देता है। तो इसके अलावा सन टेम्पल है, ये मंदिर जो है कालिंगा दौर की कारीगरी का एक नमूना है जो सन टेम्पल है। तो इसके अलावा काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसके बारे में आपने किताबों में पढ़ा होगा, उसमें कई ऐसी जानवरों की नस्लें मिलती हैं जो बाकी दुनिया में मुश्किल से ही मिलती हैं। 2/3 जो है हमारे मुल्क के अंदर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग वाला जो रेनोसर्स है ना, वो हमारे मुल्क के काजीरंगा के उस नेशनल पार्क में मिलता है। और जिसको दलदली हिरण कहते हैं, आपने सुना होगा दलदली हिरण भी बड़े पैमाने पर हमारे मुल्क के उसी काजीरंगा जो नेशनल पार्क पे है वहाँ पे बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसके अलावा सबका जिक्र करना फर्जन मुश्किल है क्योंकि टाइम ज़्यादा होगा। मैं मुख्तसर जिक्र करना चाहूँगा हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के बारे में भी आपने सुना है, जिसने हमारे मुल्क पे जो मुग़ल शहनशाह थे सल्तनत मुग़ल, उन्होंने बहुत अरसा हमारे इस मुल्क पे बादशाह, तो उस डायनेस्टी का एक जो बादशाह था हुमायूं, उसका मकबरा भी वो भी हेरिटेज में आ जाता है। कुतुब मीनार और महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान हासिल हुआ था, सच्चाई की तलाश में निकले थे। आप बच्चे खूब जानते हैं, आपने पढ़ा होगा है ना, तो वो भी बहुत अहमियत का है। इसके अलावा रेड फोर्ट है, जंतर मंतर है, नालंदा जहाँ पे एक एलवी मरकज हुआ था बुद्धिस्ट दौर नालंदा में, तो ये बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो हमारा वर्षा है, हमारे मुल्क का वर्षा है, हमारे मुल्क की इज्जत को दुबाला करते हैं ऐसे मकामात। तो अब वहाँ से हट के कुछ हम अपने इलाके में आते हैं, नेशनल सतह के बाद हमारा इलाकाएँ भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो ये खित्ते लद्दाख को हम सिर्फ पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा दहाना न माने, हमारा जो खित्ते लद्दाख है बिलखसूस कारगिल की बात करेंगे तो हिस्टोरिकली या वर्षे के हिसाब से हम देखें तो ये बहुत रिच है। यहाँ पे इसकी कदीम तारीख को हम अगर टटोलते हैं सर, तो यहाँ पे सिर्फ एक तहजीब जो है वहाँ यहाँ पे नहीं बची, यहाँ पे हर एक तरीके छोटा छोटा हिस्ट्री लिखा हुआ था जापनीज में और इंग्लिश में, तो हमने जाके उसमें तो थोड़ा वक्त किया क्योंकि ये सब हेरिटेज का हिस्सा है, तो आप कहीं गए हैं तो आप जानना चाहते हैं कि इस देश में क्या है, तो उधर जा इसको आगे लेकर चलो।
अपने आप को सिर्फ रिस्ट्रिक्टिंग करना है कि मैंने डॉक्टर इंजीनियर बनना है, जैसे कि मैंने इनको बताया था। आप आज के दिन में दुनिया खुल गई, बहुत कुछ है। आप एक कोई भी सब्जेक्ट बच्चे लोग पकड़ेंगे, आप उसके अंदर में तरक्की कीजिए, दुनिया आपके कदम चूमती। और क्योंकि मैं ये सब चीजें देखता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, एक ही तरीका है हम सबको ऊपर जाने का, वो है अच्छी इल्म हासिल करना। और उसके लिए जितने भी आपके टीचर्स हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो आपका फाउंडेशन है। और लास्ट में एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ, हिंदू धर्म है अगर, तो उसके अंदर में हम एक कोई भी भगवान ले लेते हैं और बाकी सब उनकी तरफ हम सब सिपाही के जैसे खड़े होते हैं। कोई भी धर्म एक सेंटर पीस लेते हैं और बाकी सब उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं कहने के लिए कि भाई हम इसकी वो करेंगे, रक्षा करेंगे। मैं एक, मेरे को छोटा सा एक वाक्य याद है कि मैं एक बार जापान गया था, और जापान में जाकर मैंने देखा, क्योंकि वहां सब कुछ बुद्धिज्म पे आधारित है। अपने एडवाइस से हमारे बच्चों को नवाजें, सामीन को नवाजें, जनाब ब्रिगेडियर राशिद साहब। भूख तो नहीं लग रही बच्चों? बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पालन कल्चर हेरिटेज फाउंडेशन, हनायत अली साहब को, हमारे यहाँ पे बाकी गेस्ट, आप सबको खराज तहसीन, सादी खरदासी साहब, आपने बहुत जज्बे के साथ में बच्चों को समझाया, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। रजा साहब, आपने जो कम वक्त में बहुत कुछ बच्चों को ज्ञान दिया, बहुत मैं मानता हूँ कि आगे इनके बहुत काम आएगा। आतिफ खान और निसार, बहुत अच्छा, और हम चाहेंगे आगे भी बच्चे बढ़ चढ़ कर आगे लीजिए हिस्सा, और ना सिर्फ अपना नाम कारगिल में और अपनी खुशबू कारगिल तक रखिए, पूरे देश भर में अपनी खुशबू फैलाइए। वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है, तो मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोलूँगा। दो तीन चीज़ें जो मेरे जहन में आई यहाँ बैठ के, सोचा आप सबके साथ में मैं शेयर करूँ। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने हर तरह के लोगों को, हर मजहब को अपने अंदर समेटा है, तभी यह गुलदस्ता इतना खूबसूरत बना। ये गुलदस्ता आपको कहीं और नहीं मिलेगा। मैं आपको इसीलिए यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने ना सिर्फ देश भर में घूमा हूँ, बल्कि मैं विदेश में काफी देशों में जाके देख चुका हूँ, और कुछ मैं आपको बताऊंगा कि हेरिटेज कैसे बनी जाती है। सब हमने देखा है, और आपको मैं एक बात छोटी सी बताना चाहूंगा कि जो आप आसपास देख रहे हैं, आप सब बच्चे, आप एक तारीख का हिस्सा है, इस वक्त भी आप एक तारीख का हिस्सा है। जो आप देख रहे हैं इस एरिया में, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप 1947-48 देखिए, जोजीला दर्रा, ये एक हेरिटेज का हिस्सा है, यहाँ पर बहुत कुछ हुआ। कारगिल आई है, एक फौजी होने के नाते मैं आपको बताऊंगा, आपने यहाँ के जो लोगों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, शायद ही देश में कोई ऐसी जगह हो जिन्होंने चार जंगों में बहुत कुर्बानी दी है, और मैं सलाम पेश करता हूँ एक एक का। बहुत ही मशकूर हूँ कि आज के इस दिन के मौके पर ये पहली बार हमारे कारगिल में हेरिटेज की निस्बत से प्रोग्राम हो रहा है, और हमारी खुशनसीबी है कि ये प्रोग्राम हमारे गांव में ही हो रहा है, पहली बार ही हो रहा है। मैं ब्रिगेडियर साहब का बहुत ही मशकूर हूं, आपने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहां पर तशरीफ लाए, आपका यहां पर होना हमारे लिए बाइस फख्र है सर, और साथ ही साथ आप तमाम मेहमान अजीजों का मैं अपने गांव की तरफ से, हमारे जवानों की तरफ से फर्दन फर्दन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अमजद साहब और सादिक साहब का कि आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमारी तारीख और हमारे हेरिटेज साइट्स के बारे में हमारे बच्चों को आशना किया, एक बार फिर से आप सबका बहुत ही शुक्रिया, और हिमालयन कल्चर फाउंडेशन का बहुत ही मशकूर हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी आप हमारे गांव में इनका करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
जो बने हैं सर, ये नेतृत्व सुविधा मिला, फिर से हमारे लोगों ने जब ये डिटोराइट हो रहा था, गिर रहा था, तो इन्होंने इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया, ये नया बनाया है सर। ये जो क्या है वही है, जो ये दीवार है सेम वही है, उसी के उसी के उसी को थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ाया है सर। और ये जो होता था तो ये यूज होता था सर, देखा होगा पहले भी देखा होगा पत्थर, ये यही यूज होता है यहाँ पे विजिट करना। और अभी भी सुबह सुबह मैं एक बुजुर्ग लेडी के घर गया था, तो उनसे मास पूछने गया था, क्योंकि और थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए अपने आप को, तो वो कहते थे कि बचपन में उनके पेरेंट्स जो है ना, वो सुबह सुबह उठा के थर्सडे और फ्राइडे को मास यहाँ पे लाते थे नमाज पढ़ने के लिए और दुआ करने के लिए, क्योंकि बच्चों को कहते हैं बच्चों का दुआ मुस्तजाब होता है, अल्लाह ताला या भगवान जो भी है वो पूरा बच्चों का मानता है सुनता है, तो उनको लेके आते थे और दुआ करते थे सर इसमें। और कहते हैं कि करगिल के मुख्तलिफ जगहों, जैसे हम जब साहब ने कहा बड़गाम से लोग आते थे, उसी तरह उस टाइम पे तो बड़गाम बहुत दूर हुआ करता था, बहुत दूर, क्योंकि पैदल आना था और कोई ऐसे वो एसेसिबिलिटी था नहीं, तो यहाँ पे कस्ते से अब इवन लेह से लोग आते हैं। और रिसेंटली सर ऐसे रखा है, और ये नया ये एक भी नया है सर, ये दोनों पुराने हैं सर, और ये भी पुराने हैं सर। तो ये आप ये सीलिंग लगाए तो इसके ऊपर क्या है वो पता नहीं चल रहा है सर, यहाँ पे सर प्लीज। ये जो है ना सर, ये पोर्शन कहता है जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर तक ना, ये सुबह जब लोग यहाँ पे आए मौजूदा पर ये बना हुआ था, उसके बाद यहाँ पर खान का तामीर हुआ था। और जो ये लकड़ी है ना सर, ये लकड़ी इसमें पहले से ही है सर, और सब यहाँ पे मानते हैं ना इसी से, मान इस पे अपना मानते जो मांगते हैं ना, जब पूरा होता है तो जो भी उन्होंने यहाँ पे वादा किया होगा ना वो यहाँ पे ये करके होगा सर। कल हमने इसमें क्या देखा था, एक गोल्ड, ये एक गोल्ड का सेट है सर जो रिसेंटली, क्योंकि इसको गोल्ड रोल जो महंगा चीज़ें वो उठाते हैं यहाँ से जो केयर टेकर है, तो ये रिसेंटली कल ही हमने देखा। और यहाँ पे है सर, ये मतलब इतना है सर लोगों का, मतलब कुछ ना कुछ तो पूरा हो गया होगा ना, मकसद तो पूरा हो गया होगा, तो इतना मुअज्जज़ है सर, बट रिटन कोई हिस्ट्री नहीं है सर। ना ये सिटिक सर, मैं बहुत सारे खानकाओं में पहुंचा, उस जमाने में लोग जो है ना सर, वो प्रीचर्स लोग जो है पैदल सफ़र करते थे। यहाँ रोड तो 74 में बना, 74-5 में बना, उससे पहले जितने भी यहाँ पर आए हैं वो पैदल ही आए हैं, तो उनके लिए सिटिक होना ज़रूरी होता था। तो जहाँ पर वो सेंट जो है वो चिल्ला काटते थे या बैठते थे, तो वो ये छोड़ के जाते थे, और लोग भी इससे बड़ा अकीदा रखते थे। और ये मुझे नहीं लगता है कि ये आम लकड़ी नहीं है, देखो स्याह भी नहीं है, ये शहरों का सफर किया होगा। हिमिस जब शाहमदान हिमिस पहुंचा, तो हिमिस के गुंपे को उसने कुरान मजीद तारीख में साफ लिखा, कुरान मजीद गिफ्ट किया, तो उसने शाहमदान क्योंकि पैदल सफर करता था, उसको एक डंडा दिया कि आप इस खूबसूरत सा एक असा दिया कि आप पैदल सफर करते हैं, तो हालांकि वो बुद्धिस्ट प्रीचर था, तो वो लेके आके वो अभी लेह मस्जिद में, लेह खचे मस्जिद में था उसमें, यहाँ पे एक चेन हुआ करता था सर, हाजी साहब कह रहे ना बचपन में, तो इसको पकड़ के मन्नत मांगता था, मन्नत मांगता था बच्चों ने ना, यही अली इत्तेहाद वालों ने, अभी ये डिटोराइट हो रहा था सर, ये बच्चों ने इसको रिनोवेट किया, क्या ये वाला सीलिंग वीलिंग लगा के ऊपर जो ये रंग वंग रोहन किया, बाकी उसी को रखा है सर।